शिवपुरी के पोहरी थाना क्षेत्र में यहां बताया जा रहा है गांव के एक धाकड़ दबंग परिवार ने गांव में रह रहे जाटो समाज के लोगों को पहले ट्रैक्टर से एक्सीडेंट किया और फिर घर में घुसकर मारा। अखेराज ने बताया कि प्याज की पोत को लेकर अपने घर बोर पर जा रहे थे कि सेगाड़ा गांव के पीछे आ रहे तीन ट्रैक्टर परसराम धाकड़, हेमराज धाकड़ और उसके अन्य साथी तीनों ट्रैक्टरों को तेजी और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए पीछे से मेरे भाई को टक्कर मार दी, जिससे मेरा भाई को गंभीर चोट आई और मरते हुए बचा। जब भाई ने उक्त व्यक्ति से वो उसके साथियों से कहा तो उन्होंने अपने अन्य समाज भाइयों को बुला लिया। लाठी, लुहागी व कुल्हाड़ी आदि लेकर मेरे घर बोर पर पहुंच गए और उन्होंने हमारे ऊपर हमला बोल दिया, जिससे सर में चोट आई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। कोई नहीं था, जहां से मारने की धमकी दी तो घर से भाग आया भैया, हम सब लोग घर पे थे। धाकड़ लोग आए थे और उल्टी सीधी जातिवाद चमार के बारे में उल्टी सीधी जातिवाद गाली दी और औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। बहुत ज़्यादा पुलिस भी आ गई, पुलिस के सामने होते हुए उन्होंने इतनी गाली गलौज और औरतों इज्जत वगैरह के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। तो हमारे घर वाले भाग गए, मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल था तो मोबाइल उन्होंने छुड़का लिया था, मोबाइल में दे नहीं रही थी, मेरा वीडियो थी उस पर, तो मोबाइल उन्होंने छुड़का के पुलिस के हाथ पड़ गया था मोबाइल, तो वीडियो डिलीट करने की बोला। तो उस बाद में मुझे वो साथ में और बहुत ज़्यादा मारपीट घर वालों की करी, रात में 100 लोग थे 10-4 लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो रात ही रात पता नहीं कौन लाया कौन, इतने मुझे उसके बाद वो बिल्कुल नहीं आया। आपको कौन ने बचाया लड़ाई में? फिर एक खासा कि यहाँ से कुछ लोग गए थे शिवपुरी से, मेरा एक भाई पता चला कि गंभीर हालत में, घर वाले तो मार के वहाँ भग गई थी, वो तो दूसरे लोग थे, पुलिस भी कुछ कर नहीं पा रही थी, इतनी गाली गलौज मार, तो सब अपनी अपनी जान बचा के भगी। जो कोई में लगी है वो मेरे में जान लगी, मेरे पास मोबाइल के कारण मैं मोबाइल नहीं दे रही थी, वीडियो थी सब, तो उन्होंने मोबाइल भी रख लिया। कितने बजे की घटना है? जी 8:30 बजे की घटना है और मेरे भाई से मारने की जान ले मारने की धमकी थी, 5 से 6 बजे के बीच में बहस हुई थी अकेला बात को कुछ नहीं। वो लोग मंडी से लोग आ रहे थे, 3 ट्रैक्टर लेके दारू पी रहे थे रास्ते में और मेरे भैया बहुत लेके आ रहा था दारू, तो उन्होंने जान बूझ के टक्कर मारी। तो भैया ने क्या बात है कि मरा नहीं है, जान से मार रहे थे, तो वो घर पे आ गया। तो फिर जातिवाद उन्होंने रिश्तेदार वगैरह भी जो भी धाकड़ समाज इसकी शिकायत में थाने में की थी। हाँ थाने में हुई है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है धनीराम चौधरी, बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष हूँ। क्या घटना हुई है आपके साथ अभी? ये कल 14 तारीख की घटना है, शाम को 7-8 बजे की। तो ये पीड़िता जो लड़की जो आई है अभी कायल, उसका भाई चचेरा भाई प्याज की पोत लेकर के आया था और पीछे से ठाकर समाज के 3 ट्रैक्टर आए थे, आयसर, स्वराज और सोनाली का। एक ट्रैक्टर ने उसमें कट मार दी, कट मार लड़का नीचे गिर पड़ा। तो जहाँ सामने पास में जो और लोग जो खड़े हुए थे उनने बोला अरे कि लड़के क्या लग गई, तो ड्राइवर से बोला तो ड्राइवर उतरे क्या बोला मरा तो नहीं, तो उतने जो पास में जो खड़े थे उनने बोला तो भाई मरने की बात क्यों कर रहे हो, अरे कि हमारा सुरेश राठगढ़ जो मंत्री है तू क्या कर लेगा, तेरे को जान से मार देंगे अभी आगे। तो वहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और उसके बाद में उन धाकड़ों ने फोन लगा दिया, तो वहाँ सैकड़ों जो धाकड़ समाज के लोग आ गए वहाँ, वो घर पर पूरा घेर लिया इनके घर पर जा करके, घर में खींच करके लाठी लुहांगी सरियों से मारपीट। कितने लोग आए हैं पूरे परिवार की? अभी कितने लोगों का तो पता नहीं है, ये लड़की हम लोगों को मिल गई है, सिदारा क्या पहुँच गई थी। अभी इसका हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चंदी जी को अभी आवेदन दिया है, उसमें हमारी ये मांग है। क्या आश्वासन दिया आपको उन्होंने? आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और बहुजन पार्टी चाहती है पौरी विधानसभा में सुरेश राठगढ़ पीडब्ल्यू लेकिन मंत्री बने जब से उनके हौसले और बुलंद हो चुके हैं और एससी एसटी के लोगों पर भारी पैमाने पर अन्य अत्याचार चरसियों पर हो रहा है। क्या नाम है क्या किसका जिसने हमला किया था? लड़की का ना हमला जो किया है
वो धाकर समाज के मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन जितनी मुझे जानकारी मिली मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार के घर पर सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की है और तत्काल उनको प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। अभी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है, इसलिए हमारी इस हिसाब से निवेदन और गुजारिश की है हम लोगों ने, उन्हें भरोसा विश्वास दिलाया है, यही भविष्य पार्टी मांग करती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।